18 दिनों के बाद मणिपुर में कल एक बार फिर हिंसा हुई, जिसके बाद हालात संभालने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। 18 दिनों की शांति के बाद मणिपुर से एक बार फिर इस तरह की हिंसक तस्वीरें सामने आई। राजधानी इम्फाल के न्यू लंबू लेन इलाके में सोमवार को उपद्रवियों ने कुछ खाली पड़े घरों में आग लगा दी। हालात संभालने के लिए सरकार को सेना को तैनात करना पड़ा। प्रशासन ने इन इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया और 26 मई तक इंटरनेट बैन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक लोकल मार्केट में जगह को लेकर मैतई औरकों की समुदाय के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद उपद्रवियों ने कई घरों में आग लगा दी। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। We are very, very, you know, unfortunate and sad about the incident which has taken place. Now I'm appealing to the old people of the state. Just let us try to bring back the normal. हिंसा की वजह से अब तक 10,000 से ज्यादा लोग मणिपुर से विस्थापित हुए हैं।